के टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ एक अच्छा सा म्यूजिक रहे, या आप जैसे कोई काम करते रहो तो साथ में कोई म्यूजिक चलता रहे। और पुराने गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो पुराने सॉन्ग्स के अलावा मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो है जगजीत सिंह की गज़लें। और तकरीबन सारे ही मेरे पास पहले उनके कैसेट्स हुआ करते थे, सीरीज़ हैं अभी भी। तो ये दो तीन चीजें ली हैं, और जब मैं वीडियो में आगे बनाऊंगी ना तो आपको साथ के साथ वीडियो में शेयर करती चली जाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीजें ली हैं। घर में जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे चीज़ें आती रहती हैं। कभी भी इकट्ठा मैं खरीद के जैसे रख के नहीं रखती हूँ, सिवाय राशन के। तो अब जैसे हुआ क्या था ना, किचन में जब खाना वगैरह बनाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलमीरा से निकालनी पड़ती हैं। लेकिन पहले मैंने, क्योंकि मेरे पास नॉन मॉड्यूलर किचन थी तो सारा सामान बाहर रखा रहता था, तो मुझे आदत नहीं है बार बार अलमीरा को खोल के सामान निकालने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी काम करने की आदत है। तो मैंने इस तरह से एक ना स्पाइस रैक आती है, पहले मेरे पास प्लास्टिक की थी, आप लोगों के साथ दिखाई थी रिवॉल्विंग, तो प्लास्टिक जब मैं हटा रही हूँ तो उसे हटा दिया मैंने। तो फिर मैंने ये खरीदी मैग्नेटिक स्पाइस रैक। इसमें क्या है ना, एक तो आता है ये ऐसा स्टैंड है, और इस स्टैंड के साथ साथ आती है कुछ इस तरीके की ये छोटे छोटे से कंटेनर। ये है छोटे छोटे से कंटेनर, और ये सारे कंटेनर स्टील के बने हुए हैं, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, नीचे इसमें मैग्नेट लगी हुई है, और ये इस पे स्टिक हो जाते हैं बड़े अच्छे से, इस तरीके से स्टिक हो जाते हैं और गिरते भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और दूसरी चीज ये है कि ये मैंने 4 का सेट मंगवाया है, इसमें 6 का, 9 का, शायद 2 का भी है, 12 का, मतलब छोटे से लेके बड़े तक आते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें छोटी छोटी, जैसे जो मसाले हैं या जो भी छोटी मोटी चीज़ किचन में होती है, अगर आप उन्हें चाहते हैं कि कहीं वो आप किचन के काउंटर टॉप पे रख सकें, तो उसके लिए मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। इन्हें जो है ना फ्रिज पे भी स्टिक कर सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि आप इसे फ्रिज पे भी स्टिक कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्रिज ज़्यादातर किचन में होते हैं तो आपको काउंटर टॉप पे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें फ्रिज पे स्टिक कर दीजिए, और जो छोटा मोटा सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। और इसके अलावा केवल स्पाइसेस नहीं, जैसे छोटे मोटे चीज़ें होती हैं किचन में, रबर बैंड्स होते हैं, क्लिप्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप इनमें रख सकते हैं। और एक चीज़ और, मेरे पास ना सैंडविच मेकर था, वो ख़राब हो गया था और काफ़ी साल चला भी था, तो मैंने ये नया लिया एक हैवल्स का। और जो भी चीज़ें होती हैं मुझे थोड़ी सी वाइट कलर की पसंद आती हैं, तो मैंने ये वाइट कलर में लिया। मुझे यहाँ पर मतलब वाइट कलर कोई और नहीं मिल रहा था, किसी और ब्रांड में नहीं मिल रहा था, और मुझे छोटा चाहिए था, मुझे वो जो 4 पीस का सैंडविच मेकर आता है या ग्रिल आता है वो नहीं चाहिए था, तो मैंने ये 2 का लिया, छोटा पीस लिया है। और पहले तो मैं सोच रही थी कि इसे जो है जैसे धनतेरस वगैरह आती ना दिवाली की, तब कुछ बर्तन वगैरह खरीदते हैं तब खरीद लूँगी, लेकिन अभी क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। और एक चीज़ और है, और अभी मैं वहाँ डस्टिंग कर रही थी तो वहीं इसके सॉन्ग चला रखे थे, बड़ा अच्छा सा मुझे ये पीस लगा, तो एक नया गिफ्ट मुझे ये मिला है। अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, पुराने सॉन्ग्स हैं, भजन हैं, तो आप कोई से भी भजन लगाते रहिए और सुनते रहिए मॉर्निंग के टाइम। देखिए चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही ना, इसी टाइम मैंने भजन लगा रखे थे और सुन रही थी, छोटा सा रिमोट है इसके साथ। और बाकी तो जब आप इसे लेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें FM भी है, USB भी है, और आप इसमें मतलब पेन ड्राइव से भी सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, स्पीकर अच्छे हैं, कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ से, जो है फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं उनको। I'll be yours if you let me hold you tight, but I don't know if you let me in, yeah. I know you had your heart broken one too many times. काफी सारा काम हो गया है खत्म, और अब बना रही हूँ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, चलिए चलते हैं।
ब्रेकफास्ट में मैं दो तीन चीज़ें बनाऊंगी आज जो कि बहुत हेल्दी हैं। उसमें सबसे पहले मैं बना रही हूँ पालक के परौंठे, और ये है लच्छेदार परौंठे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बच्चों को खाने में। और यहाँ पे जो मैं आइटम आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, जो मैंने किचन के लिए परचेज किया है, वो है ये देखिए चॉपिंग बोर्ड। ये चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करने के लिए आपको वुडन चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के चीज़ें कट करते हो तो आपके लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड में बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसके लिए जो है आपको किसी मतलब सिर्फ एक फ्लैट सरफेस चाहिए और उस पे आप रख के कट करिए, और ये फोल्ड हो जाते हैं। मतलब आपने जब इसमें सब्जियां कट कर ली हैं तो आप फोल्ड करके किसी कंटेनर में उन्हें डाल सकते हो, डस्टबिन में जैसे कूड़ा डालना है तो डायरेक्टली इसी से उठा के आप डाल सकते हो, तो ये फोल्ड हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे लगे। तो मैंने तैयारी कर ली अपने सारे ब्रेकफास्ट की, और ये बहुत ही अच्छा एक आइटम है, और इसी से मैंने यही इसी के साथ मैंने लिया है ये नाइफ का सेट। और अब बना रही हूँ चटनी हरी धनिए की, जिसके लिए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक मैंने कट कर लिया है। और पहले मैं जो हूँ इसी में इन सब सामान में दही डाल के, और दही के साथ साथ काला नमक डालूंगी, सादा नमक डालूंगी, और पहले इनको मैं पीस लूंगी, उसके बाद मैं धनिया डालूंगी। इससे क्या होता है, धनिया अच्छे तरीके से जो है पिस जाता है। तो धनिए को डाला बाद में, और इसके साथ डाल दिया जीरा, और जीरे के साथ डाल दिया थोड़ा सा जो है मैंने हींग को। तो बहुत ही टेस्टी जो है चटनी बनेगी, और इसको मैं पलट लूंगी एक नए कंटेनर में जो कि मैंने नया खरीदा है। देखिए चटनी इसमें लिखा हुआ है, मुझे बहुत ही प्यारा सा ये लगा, क्यूट सा लगा, सिरेमिक का ये बना हुआ है, और ये वाकई सही बात है कि चटनी स्वाद बढ़ाए सबको भाए। और किचन में थोड़ी सी भी चीज़ आप रख लेते हो अलग सी, डिफरेंट सी, या आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो तो अच्छी सी लगती है, ये शोपीस की तरह से लगती है, और इसमें मैं चटनी बना के फ्रिज में भी रख लेती हूँ। तो अब तैयारी करते हैं जो है पालक के पराठों की। तो उसके लिए मैंने ऑयल में थोड़े से लहसुन, 4-5 लहसुन जो है मैंने भून लिए हल्का सा, डाला नमक, और इसी में मैंने डाल लिया पालक को, और पालक को करीब 5 से 7 मिनट मैंने ढक के पका लिया। और अब देखिए अब नेक्स्ट क्या चीज थी, नेक्स्ट थी सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। तो इसके लिए मैंने ब्रेड लिया, अगर ब्राउन ब्रेड मिल जाए, आटा ब्रेड मिल जाए तो उसी का यूज करिए। और देखिए मैंने इसके लिए कट कर लिया है प्याज को, टमाटर को, हरी मिर्च को, और इसमें मैंने स्प्राउटेड चने मिलाए हैं। स्प्राउटेड मैं डेली ही रोटेशन में रखती हूँ, कभी मूंग की दाल, कभी चने, हमेशा रखती हूँ। तो इन सब आइटम्स में मैंने थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और नींबू मिला के अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी कर लिया। पनीर हो तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करनी थी, थोड़ी सी लेयरिंग करनी थी सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड के पीस में चटनी की लेयरिंग करी, और चटनी के बाद हम इसमें जो हमने स्टफिंग रेडी करी है स्प्राउट वाली, वो डाल देंगे, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और इसके ऊपर मैंने लगा दी चीज़ स्लाइस, कट करके लगा दी, अगर बच्चे पसंद करें तो आप डायरेक्टली चीज़ को जो है क्रश करके भी डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं इनको अपने इस नए सैंडविच मेकर में ही बनाऊंगी, देखिए। और ये बड़ा अच्छा सा लगा मुझे, तो ये छोटा है, दो इसमें एक बार में बनते हैं, और ये छोटी सी जगह में आ गया, और सैंडविच भी इसमें बहुत टेस्टी बने। देखिए किचन में होती है बहुत सारी कटलरी, जैसे स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइव्स हैं, तो ये हमेशा फैले रहते हैं अलग अलग कप्स वगैरह में, वैसे मैं रख लेती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने एक बड़ा अच्छा सा आइटम खरीदा है जिसका बेस जो है वुडन का है, और इसमें कुछ ग्लासेस हैं जिसमें कि शेप्स बनी हुई हैं फोक की, स्पून की। तो इसमें अलग अलग मैंने सारे ये आइटम्स रख दिए, और इसमें नीचे देखिए होल्स भी हैं जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, और ये अच्छी तरीके से जो इसमें जगह बनी हुई है उसमें फिट भी हो जाते हैं। वैसे कप्स वगैरह में रखते हैं तो हमें उन्हें हर दूसरे दिन धोने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से उसमें पानी जमा होता रहता है, गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया, और ये मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा सा है। इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया, और वैसे लोकल मार्केट में मुझे ये नहीं मिला। अब देखिए मुझे तैयार करना था पालक के परौंठे का आइटम, तो मैंने पालक को पीसा, लेकिन पीसने के साथ साथ उसमें दही मिला ली जो हमने पालक भूना था, और दही मिला के पीस लिया। और अब लिया बेसन, और बेसन से दुगना लिया आटा, और इसमें डाल लेंगे नमक, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे इसमें,
और इसके साथ साथ थोड़ी सी हींग भी इसमें मिला लेंगे। और फिर जो हमारा ये पालक और दही का पेस्ट है, इससे अच्छी तरीके से हम डो तैयार कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मोयन घी का भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे ये पराठे बनते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल पतला बेल लेना है और आटे का और तेल का हम जो है एक लिक्विड सा रेडी कर लेंगे, जिसको कि हम इसके ऊपर लगाएंगे और इस पूरी जो हमने ये रोटी बेली है इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और क्योंकि हमें लच्छेदार पराठा बनाना है, तो अब हम इस फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर इसको दबा के अच्छी तरह से इसका एक पराठा तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर फिलिंग जो है चीज़ की कर सकते हैं। और इसे हम कुरकुरा सेक लेंगे और एक बड़ा ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा शेक बनाया स्मूदी टाइप, जिसमें लिए मैंने केले लिए हैं 3-4, 2 गिलास दूध लिया और 4-5 चम्मच दही डालने के बाद इसमें डाला थोड़ा सा शहद करीब 2 चम्मच और चीनी डाल दी, जो भी आप खाना चाहें। और तैयार हो गई एक बहुत ही टेस्टी स्मूदी। और अब सबने मिलके करना है ब्रेकफास्ट। और एक्चुअली मेरा बड़ा वाला बेटा जल्दी नहा लेता है, तो उसी ने मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनको नहला दिया है और भोग लगा दिया है, तो इसलिए आज जो है थोड़ा ब्रेकफास्ट का काम जल्दी खत्म हो गया। मैं अभी नहाई नहीं हूँ। I'll be yours if you let me, let me hold you tight. But I don't know if you let me in. Yeah. I know you had your heart broken one too many times. Now it's hard for you to open up. आज मुझे थोड़े से काम के लिए बाहर भी जाना है, तो पूरी प्रिकॉशन लेके मुझे मैं गई बाहर, थोड़ा इम्पॉर्टेंट काम था। तो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।